बर मुकुर सुधारी मरण रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र यरु धजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद कई सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन्हके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई
हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मांडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप सियावर। राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्विद देवानो यथा सदमिद बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरुजूयताम् देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदं अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वामवसे भूमहे वयं उषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तुषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वांसस्तनूर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीशान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवाशान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति देवारेव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि भूषण एवा हि देवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम। जय सियाराम। आप सभी को नमस्कार और परम पूज्य बापू के चरणों में नमन वंदन। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति और भक्ति की धरा पर आनंद के नौ दिन। परम पूज्य बापू के मुखारविंद से
हम सुनेंगे राम कथा का अमृतपान। तो सबसे पहले भक्तिमती मीरा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती पर पहली बार पधारने पर जोरदार तालियों के साथ परम पूज्य बापू का स्वागत। और आप सभी के लिए अंत में चार पंक्तियां कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तो 9 दिन का खूब मज़ा जोरदार तालियों के साथ परम पूज्य बापू। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित पधारिए पवन
राधावर चंद्र प्रिय हो पवन सुत हनुमान प्रिय हो उमापति महादेव प्रिय हो बोलो भाई सब संतन प्रिय मनो
रामचंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
Thank you.
पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय thank you.
Breath.
बाप फिर एक बार कृष्ण भक्ति और राष्ट्र भक्ति की इस परम पावनी भूमि पर इस राजस्थान की धरा पर राम कथा गाने का अवसर आया है। परमात्मा की महत्ति कृपा कथाएं हर जगह होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। इतने अनुभवों के बावजूद कथा के लिए परमात्मा कुछ विशेष स्थान की पसंदगी का संकेत करते हैं, इसलिए इस मुरारी बापू इन चित्तौड़गढ़ यानी राष्ट्र भक्ति और कृष्ण भक्ति की भूमि में, मीरा की भूमि में मैं व्यासपीठ से सभी को प्रणाम करता हूँ। बाप इस कथा के बारे में भी कुछ प्रारंभिक बातें कह दूं कि कथाएं बहुत यानी कुछ साल पहले मांगी जाती है, मनोरथ किया जाता है, और कभी कभी किसी कारणवश हरि की इच्छावश कथा के समय और स्थान में परिवर्तन भी होता रहता है। चित्तौड़गढ़ की भूमि पर एक कथा देर से होने वाली थी तो सही इसी साल में ही। मैं अभी नाथ द्वारा आया तब ये मैंने पक्का कर लिया था। मनोरथ तो बहुत समय से था व्यासपीठ के प्रति समर्पित भाई बहनों का, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि घूमती घूमती ये कथा क्यों फिर यहाँ आई। कारण तो बहुत होते हैं कथा स्थगित रहने का, या तो किसी दूसरी जगह पर कथा का आरंभ होने का, लेकिन ये तो सांसारिक कारण है। कथाएं कभी बंद नहीं होती, कथा किसी के रोके रुकती नहीं। मेरा अपना अनुभव है कि जब हमारे राष्ट्र में किसी कारणवश आपत्कालीन स्थिति घोषित की गई थी तब भी कथाएं चलती रहती थी। इसलिए आजकल जो माहौल है पूरे देश में,
और राजस्थान की भूमि में एक कथा का आरंभ हो रहा है, इसको कृपया कोई किसी और बातों से न जोड़े। एक कथा कायम चलती रहती है, ये राम कथा है, हमारा संबंध केवल अध्यात्म के साथ है, सत्य प्रेम और करुणा के साथ है, इसलिए। और मुझे आनंद है कि राजस्थान की भूमि ने सब तरह से इस कथा को हृदय से आवकार दिया, और ये पूरा खेल तो ऊपर वाले का रहा होगा। साहब 11-12 दिन का समय था, क्योंकि चैत्र नवरात्र ऐसे पावन दिन, मैं कई बार बोला हूँ कि रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म होता है, प्राकट्य होता है, ये तो पूरे विश्व के लिए सगुण है, लेकिन मेरे लिए इससे भी ज़्यादा महिमावंत बात ये रही कि रामनवमी के दिन राम का प्रागट्य तो हुआ ही, लेकिन रामचरितमानस का भी प्रागट्य हुआ। राम तो प्रगटे, लेकिन हम उसको छू नहीं पाए, क्योंकि पद पाताल, हम कहाँ पाताल में जाएं पैर छूने, कहाँ हम उसके सिर पर चंदन करने जाएं, क्योंकि शीश अजधामा, मस्तक तो आकाश ब्रह्मलोक में है, कैसे छुए हमारे कमजोर हाथ। लेकिन रामनवमी के दिन भगवान राम के पावन चरित्र की, इस राम कथा का भी, रामचरितमानस का भी प्रागट्य दिन माना गया है, और ये राम कथा को तो हम छू सकते हैं, सिर पर रख सकते हैं, हृदय से लगा सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। हस्ताकमल है, ये हस्तामलक है। तो इन पावन दिनों में कथा रखनी ही थी। ऐसे ही दूरभाष पर बातचीत हुई और व्यासपीठ को सब तरह से समर्पित हमारे मदन भैया ने कहा कि बापू, यहाँ के वडिलों का मांग तो थी, मैंने ऑलरेडी डेट दी भी थी, लेकिन 11-12 दिन के बीच में इतना बड़ा आध्यात्मिक प्रेम यज्ञ का सुचारू रूप में आयोजन करना, और वो भी मीरा को रुचे इसी रूप में करके दिखाना, और मैंने बीच में पूछा भी नहीं, एक दो बार बात हुई, पूछी, मुझे कहा बाबू कोई नहीं, अभी तो 3 दिन पहले तैयारी हो जाएगी। और साहब 12-11 दिन की मुद्दत, विदेशों में मैं कथा कहता हूँ, वहाँ कोई पंडाल में कथा नहीं होती बाप, इतनी भीड़ भी नहीं होती, यहाँ जितने स्वयं सिंह हो गए ना, स्वयं सेवक, इतने वहाँ श्रोता भी नहीं होते, इससे भी कम श्रोता होंगे। हॉल में हो जाती हैं, बस हॉल बुक करना पड़ता है, इससे ज़्यादा क्या करना है, फिर भी इतने कम समय में मीरा के बारे में मैं इससे कथा कहलवानी थी परमात्मा को, और ये मीरा की कथा मीराज ही कर सकता है। मैं कोई सराहना नहीं करता, ना उसको अच्छा लगेगा, न मेरा कोई ये वो है, लेकिन बाप एक साधु की प्रसन्नता व्यक्त करता, और मुझे तो ऐसा कहा कि बापू अब दूसरी बार कभी हो नहीं तो 7 दिन ही दे रहा।
ये केवल आध्यात्मिक और राम कथा का प्रेम यज्ञ है। पर कथाएं इमरजेंसी में भी होती थी और आज यहां शुरू हो रही है इसका, और सब लोगों ने बहुत प्यार से इसको कबूल किया है, तो मैं विशेष रूप में मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। आश्चर्य भी हो रहा है कि इतने दिनों में सब कुछ करना, लेकिन हो गया। तो यहां केवल रामचरितमानस को केंद्र में रखकर भगवत चरित्र की संवाद होगा, हमारे जीवन के विकास और विश्राम का आध्यात्मिक संवाद होगा। ये थी थोड़ी कम काल में, शायद आई थिंक, मुझे लगता है कि ये शायद पहली कथा है कि इतने कम समय में इतने उदार रूप में हुई हो, इतने कम समय में। और मदन मुझे कहे कि बाबू मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया, हो गया लगता है तो हो गया। हम सब 9 दिन बैठकर इस धोरारी धरती पर, विरारी धरती पर, पिरारी धरती पर, मिरारी धरती पर भगवत चरित्र का इस चैत्री संवत्सर का आरंभ हो रहा है। पूरे संसार को संवत्सर के आरंभ में मेरी व्यासपीठ की ओर से बधाई हो, शुभकामना हो। और आज से नवरात्र प्रारंभ हो चुका है, रामचरितमानस के ये दिन है। इन पावन दिन में, ऐसी पावन स्थली में, राजस्थान की इस वीरों और धीरों की धरती पर कथा का आरंभ हो रहा है। भगवत कृपा है बाप। अब प्रश्न दूसरा ये आया मेरे मन में कि मैं इस कथा का विषय क्या रखूं, इस कथा के लिए केंद्र बिंदु किस विचार को बनाऊं। मुझे मीरा पर कुछ कहना है, और अभी मीरता की कथा तो बाकी ही है, वो भी मैं कोशिश करूं कि यथाशीघ्र, जब ठाकुर कृपा करे, मौका दे, करें। तो इस कथा का नाम मैं रख रहा हूं मानस मीरा। क्योंकि मीरा कृष्ण भक्ति का पर्याय नाम है, आज तक इतिहासविद लोग भी संशोधन में डूबे हैं कि मीरा नाम का अर्थ क्या किया जाए। पहले मीरा ही नाम था कि कुछ और था, विद्वान लोग इसमें अध्ययन में डूबे हैं। मीरा है कि फिर मीराबाई बाद में हुआ कि क्या है, कहीं कहीं से प्रमाण लाला करके विद्वान लोग उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। मुझे यहीं से बात आरंभ करनी है कि मीरा कृष्ण भक्ति का पर्याय है। मीरा नाचती गाती
एक तारा और मंजीरे के साथ पूरे विश्व को प्रेम लक्षणा भक्ति का निमंत्रण देती हुई एक व्यक्ति नहीं थी। जैसे कृष्ण कथाओं में, श्रीमद् भागवत जी की पावन कथाओं में, अथवा तो कृष्ण चरित्र की बातें होती हैं, तब कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा कि राधा ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा शास्त्रीय मत है। शायद इनमें सब एक मत है। राधा ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। मुझे कहने दो, मीरा भगवान कृष्ण की आह्लादिनी भक्ति है। ये शक्ति है, किसी का एक बहुत बड़ा प्यारा पद भी है। ये प्रेम दीवानी है, ये दर्द दीवानी है। ये अंतर है। राधा प्रेम दीवानी अवश्य, लेकिन मीरा ये दर्द दीवानी है। तो मीरा ये भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण मीन राम शिव जो कहो, क्या अंतर है। और कृष्ण भी केवल जितने जिस रूप में हम देखते हैं, इतने में थोड़ा समा जाता है। कृष्ण तो इससे कई गुना महान है। तो मीरा ए भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी भक्ति है। मैंने आपको कई बार ये अनुभव की बातें कही हैं, फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि मीरा के साथ जुड़ी हुई है। वृंदावन में कथा हो रही थी, एक महाशय ने प्रश्न किया कि राधा और मीरा के बारे में आपको चुनना है, चुनाव करना। चुनाव शब्द हम इस कथा में बहुत नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, हम चुनाव करने आए हैं प्रेम का, सत्य का, करुणा का। तो इन दोनों में से किसी को यदि आपको चुनना है कि आप राधा को ज्यादा स्वीकार करेंगे कि मीरा को, आप किसको ज्यादा महत्ता दोगे, ऐसा एक प्रश्न मेरे पास आया था। मैंने दो टूक जवाब दिया था कि मुझे यदि पसंद करना है तो मैं राधा नहीं, मैं मीरा के पक्ष में हूं। अब वृंदावन में आपको कि राधा नहीं और मीरा, तो मारपीट होगी। बिना लठमार होली से पहले लठमार होली हो जाती, लोग मारेंगे। वहां राधा को नकारना, ये तो बड़ा साहस है। तब जाके मैंने कहा कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, वहां हमारी पहुंच कहां। ये तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, ये तो पराशक्ति है। हम कैसे वहां पहुंचे। मीरा भक्ति है, इसलिए हमें निकट पड़ेगी। और गुजरात सौराष्ट्र से आने के कारण राधा वृंदावन ब्रज थोड़ा दूर पड़ेगा, भौगोलिक रूप में भी राजस्थान जरा निकट पड़ेगा, करीब पड़ेगा, ये भी तो बात है। तो मीरा ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का
पर्याय रूप है। मुझे जो लगता है जहाँ जहाँ रामचरितमानस की सम्मति है उसको मैं गुरु कृपा से आपके सामने संवाद के रूप में रखता चलूँगा। अब आप कहेंगे कि जो दो पंक्तियाँ उठाई गई हैं इससे मीरा का जोड़ कैसा? अब जान चुके जो निरंतर कथा सुनने वाले भाई बहन हैं अथवा तो न सुन पाए लेकिन मानस के पाठक हैं, मानस में जिसकी रुचि है वो जान गए करीब करीब कि रामचरित मानस के अंतिम प्रकरण में ये पंक्ति आई है। मैं फिर एक बार आपके सामने पेश करूं। एही कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत राम ही सुमीरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गोस्वामी जी रामचरितमानस के समापन के प्रकरण में आखिरी प्रकरण में उसके बाद रामचरितमानस करीब करीब विराम की ओर चला। वहां कहते हैं कि ये कली काल में और कोई साधन नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन हम जैसे लोगों को इतना सहज और सरल नहीं पड़ता, मुश्किल है, कभी कभी तो लगता है दुर्लभ भी है और दुर्गम भी है। जोग यज्ञ जप तप व्रत जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कहीं करते हैं कर रहे हैं कलयुग में भी उसको प्रणाम, लेकिन ये साधन इतने सार्वभौम नहीं है, इतने सरल नहीं है, तो फिर क्या करें? तो मीरा ने जो रास्ता चुना था वो तुलसी की बोली में यहां पकड़ा जाता राम ही सुमिरिया। यद्यपि मीरा कृष्ण शब्द बोलेगी, मीरा के मन में कृष्ण राम का कोई नहीं, वो राम भी बोलेगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वहां कोई अंतर नहीं है। खरचन खुटे वा को चोरन लू खरचन खुटे, मैं एक ग्रंथ का अवलोकन कर रहा था उसमें तो मीरा ने जो पद गाया है इनमें अपनी मूल बोली में फिर उसमें थोड़ा सुधार हुआ, भाषांतर हुआ, पाठांतर हुआ वो पद, फिर उसके बाद फिर आज जो प्रचलित पाठांतर हुआ हो, ऐसे तीन तीन रूप में प्रस्तुत, ये अच्छा अच्छा प्रयोग है। 1520 शती में मीरा आई है हमारे यहाँ, तुलसी की समकालीन ये विभूति है। नक्षत्रों में कई नक्षत्र हैं जिसका नारीवाचक नाम है, इसमें एक है अरुंधति। अब दूसरी बार भगवान कृष्ण आए और विभूति योग गाएं तो भगवान कृष्ण कहेगा कि भक्ति में मीरा मैं हूं, मीरा अस्तित्व का ध्रुव तारक है।
ध्रुव तारक है। तो तुलसी और मीरा समकालीन है, मैं जिक्र करता रहूंगा। तुलसीदास जी का चरित्र जिन्होंने आलेखन किया है, अंकित किया है, और भक्तमाल में आदि आदि ग्रंथों में जो बातें लिखित रूप में हमें प्राप्य है, यद्यपि विद्वान लोग जरूर उस पर संशोधन करते हैं, चर्चा करते हैं, कभी एक मत होते हैं, कभी नहीं होते, और मुझे इन बातों में जाना भी नहीं, मेरी रुचि भी नहीं। हम तो सीधी सादी बात में मीरा के सत्य को, मीरा के प्रेम को, मीरा की करुणा को, कितनी करुणा होगी इस महिला के मन में। हमारे सौराष्ट्र में एक कवि हुआ, अब नहीं रहा, अच्छा कवि, चारण कवि, भगुभाई रोहड़िया, उसने गुजराती में एक पद मीरा के बारे में अक्सर गाता रहता हूँ, गुजराती में आप तुरंत समझ लेंगे, क्योंकि राजस्थान और गुजरात की भाषा में कोई आप समझ लेते हैं बिल्कुल, आपकी भाषा में भी थोड़ी बहुत समझ, मूल आपकी राजस्थानी भाषा भी मुझे बहुत प्रिय लगती है, मैं उसको करीब करीब 80% समझ लेता हूँ, गुजराती तो बिल्कुल। कितनी करुणा होगी इस महिला, संत महिला में। राणा ने विष तो भेजा, मीरा पी गई। ये तो प्रसिद्ध बात है, लेकिन इस संत महिला की करुणा एक कवि के मुख से फिर बोलती है। गुजराती में आप समझ लेंगे, वो निमंत्रण देती है मीरा कि राणा को कहियो कि एक बार आपने जहर भेजा, मैंने पी लिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि राणा को कोई कहियो कि दूसरी बार मुझे जहर भेजे, दूसरी बार मुझे, क्योंकि इसमें तो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है, इसी में तो मैं भक्ति का पर्याय हूं कि नहीं, उसी की कसौटी है। बहुत बड़ा प्यारा पद, कवि में फिर पूरा लेकर भी आपको संदर्भ आया तो, लेकिन एक पंक्ति यहां मुझे मीरा की करुणा दिखती है। वो कहती है, राणा जी ने के जो हरी जैर मो, फिर दे दिया, जैसे हम कहते हैं थोड़ी चाय और दो ना, थोड़ा दूध और दो, किसी के प्याऊ के पास जाए तो कहे थोड़ा पानी और पिलाओ। धन्य है इस संत महिला विभूति को, मानो वो कहती हैं राणा से कहियो मुझे दूसरी बैर विष भेजे, क्योंकि इससे मेरा भरोसा ज्यादा बलवान होता है। राणा जी के जो हरी जय, अने मीरा बाई करे छे मनुवार। मनुवार शब्द आप बहुत यूज करते हैं, राजस्थानी बोली का बड़ोत प्यारा। अभी अभी मैं सेठिया जी का एक रचना सुन रहा था गाड़ी पे, इस भूमि के एक समर्थ महाकवि स्वर्गस्थ कन्हैयालाल सेठिया बाबा,
उसने भी राणा महाराणा प्रताप के बारे में जो एक रचना रची हल्दीघाटी के हार के बाद, चेतक की शहीदी के बाद, चेतक शहीद हो चुका। मुझे ये सब बातें कुछ कुछ जो मैं जाना हूँ सुना हूँ आपके सामने इस कथा में रखनी है। ये भूमि बड़ा अद्भुत भूमि है, उसको केवल विचार और अपनी संकीर्णता से विभाजित न की जाए। ये राष्ट्रभूमि भक्ति और कृष्ण भक्ति का जुगपद निर्वाह है। इस भूमि का जुगपद निर्वाह मनवार मीराबाई मनवार कारण जर ने जिरवा ए जीवन मारो। पहली बार जो पी गया था ना वो दूसरी बार भी आएगा। मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ आते ही मैंने मदन भैया को कहा कि भैया मुझे पहले उस स्थान पर ले जाओ जहाँ मीरा का मंदिर है। हम वहाँ गए, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति है और आप लोगों ने मिलकर के मीरा की स्थापना भी वहाँ की। बड़ा अच्छा लगा। जैर नहीं जीरुवा जीवन मारो आवशे, आत्मा ने एनो छे एतबार, बिनु विश्वास भक्ति नहीं साहेब। तुलसी की मुद्रा लेख है, जहां विश्वास नहीं वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। साहब भक्ति का दंभ करने के लिए भी थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, इससे पहले आप भक्ति का दंभ भी नहीं कर सकते। वास्तविक भक्ति तो जोजनों दूर रह जाती है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ऐसा तुलसी का आलेखन है। और मैं बहुत बड़े दायित्व बोध से बोल रहा हूं क्योंकि इतनी जाहिर में और पूरी दुनिया सुन रही है, तब मैं अपने दायित्व बोध को संभाले हुए बोल रहा हूं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, मने एनो एतबार छे। जेर ने ए जी रवा जीवन मारो, अने दुनिया में विष किसको नहीं पीना पड़ता प्यारे, और भजन के मार्ग में तो तैयारी ही रखो कि विष के प्याले आएंगे। और मेरे गोस्वामी जी ने हमें बहुत बड़ी सुविधा कर दी विष की एक बड़ी प्यारी व्याख्या देकर। जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेगिन भजसि मन मंद को कृपालु शंकर। गोस्वामी जी कहते हैं विषम गरल जेहि पान की, भगवान महादेव ने विष पान किया था। हमारे यहां भजन के मार्ग में विषपान की भी एक परंपरा रही है। हम इन विष पीने वालों का भी स्मरण करेंगे इस कथा में कि किन किन ने पिया है, कौन पी रहे हैं और कौन कितने पीते रहेंगे। बात जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां ही विष है, ऐसा तुलसी का गुप्त संकेत है। विषम गरल जेहि पान की, इसकी चर्चा कई बार हम कथाओं में करते रहे। एक दो प्रतिशत विश्वास न हो तो आप दांभिक भक्ति भी नहीं कर सकते। वास्तविक तो जोजनो दूर है।
और मीरा कहती है कि मुझे उसका एतबार है। तो मीरा का सत्य क्या है, मीरा का प्रेम क्या है? मैं दो दिन पहले ही कह रहा था, कुछ भाई लोग बैठे थे मेरे पास, कल ही मेरी कुछ चर्चा हो रही थी कि सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य करो। क्या सत्य इतना ही है, इतने में सत्य समा जाता है? कभी नहीं, सत्य इससे बहुत बड़ा है। बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, सच्चा ही सोचना चाहिए, सच ही बोलो। लेकिन हम जीव हैं और सच ही आचरो, लेकिन फिर भी सत्य इसमें इसमें इतनी फ्रेम में समा जाए। सत्य को भागवतकार ने कहा सत्यम परम धीम ही, सत्य बड़ा विराट है। मीरा का सत्य क्या है, मीरा का प्रेम क्या है? प्रेम भी हम किसी को कह दें हम आपको चाहते हैं, बस बस इतने में प्रेम आ जाता है क्या? ये तो ठीक है, प्रेम बड़ा विराट, साक्षात विराट का नाम प्रेम है। करुणा केवल किसी का हाथ थाम लेने से ही नहीं होती, करुणा बहुत बड़ी बड़ी उदार अस्तित्व है। तो मीरा का सत्य क्या है, मीरा का प्रेम क्या है, मीरा की करुणा क्या है, उसको हम हमारे जीवन के विश्राम के लिए सोचेंगे। कितनी अद्भुत करुणा। और मैं केवल स्मरण करूं, गुजरात का एक कवि, अब नहीं रहे वो भी, रमेश पारेख, उसने तो ऐसा एक सुंदर संकेत प्रस्तुत किया कि मीरा जब राजस्थान मेवाड़ छोड़कर निकल पड़ी तो मीरा के से ज्यादा करुणा तो पैदा होती है राणा के प्रति। मीरा तो गई, मीरा की करुणा यह है कि मीरा को लगता है, और कवि अपने ढंग से उसको शब्दों में डालता है, गुजराती शब्दों में, ये चित्तौड़गढ़ इतना दीर्घ दुर्ग, इतना फैला हुआ, इस चित्तौड़गढ़ में, इस गढ़ में उस समय में मीरा के काल में कोई बोले मीरा, तो शायद प्रतिध्वनि भी आती होगी कि मीरा। कृष्णा, तो कृष्णा प्रतिध्वनि आता होगा। आज भी इतना सुंदर लगता है तो उस समय 15वीं शती की बात है। गढ़ने हो कारा तो मीरा जब मेवाड़ छोड़कर जाती है तो करुणा देखो कि गढ़वा गढ़ने हो कारो, कोई बोलेगा तो कांगरा भी देंगे, दुर्ग के जो कंगार है वो भी हो कारो देश। गढ़ने हो कारो तो हमारे हरीश भाई का कंपोजिशन है, पहली बार हरीश भाई ने किया और अब ओस्मान ने गाया संगत में। राणा तू कुछ बोलेगा तो गढ़, कुछ बोलेगा तो होंकारा कांगरा भी देश, पाण गढ़ मा होंकारो कौन देश, तारा गर्मा कौन होकारो देश।
कब हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़े अबे मेवाड़ मेवाड़ छोड़ेगी तो क्या हुआ ये करुणा करुणा जागी जब आदमी के दिल में करुणा उठती है तब क्षमा तो बहुत छोटी चीज है करुणा बहुत विराट का एक रुख है तो मीरा का सत्य मीरा का प्रेम मीरा की करुणा मैंने ये पंक्तियां इसलिए आपके सामने उद्धृत की मानस मीरा की भूमिका में राम ही सुमिरिय मीरा कहती है इस कलिकाल तुलसी कहते इस कलिकाल में और मीरा का पदों में आप देखोगे तो यही सुर निकलेगा और तुलसी और मीरा मैं कहूँगा कि एक बार कि गोस्वामी जी को तुलसीदास मीरा ने एक पत्र भी भेजा था उस समय गोस्वामी जी के नाम से एक पत्र भेजा था और गोस्वामी जी ने मीरा को इस पत्र का उत्तर दिया था ये दोनों महान संत समकालीन रहे तो इस कलिकाल में हम लोग क्या कर पाएंगे बहुत दुर्गम है करते हैं लोग योग करते हैं यज्ञ करते करते नहीं करते सब प्रणम्य है लेकिन सार्वभौम नहीं हो पा रहे हम सब नहीं कर पाते दुर्गम दुर्लभ है सुगम नहीं है सबके लिए सबके लिए क्या जो मीरा के मन में भी है जो तुलसी के मन में भी है राम ही सुमिरिय राम को स्मरो कृष्ण को स्मरो कृष्ण को स्मरो क्या है मीरा का मुद्रा लेख मुझे मुझे जिस तरह मीरा समझ में आती है इस संत भक्त और मुझे बड़ा बड़ा आनंद ये भी है कि अभी इससे पहले ये भगवान ने योग किया कि कथा कहीं स्थगित रही और यहाँ आ गई ये तो खबर नहीं कैसे हुआ लेकिन ये बिल्कुल बड़ा योग था बिल्कुल अस्तित्व की व्यवस्था रही कि मैं अभी अभी कुछ 8-15 दिन नहीं हुए हैं अभी अभी सौराष्ट्र की एक मीरा गंगा सती के बारे में बोल कर आया उसको हमारे विद्वान लोग सौराष्ट्र की मीरा कहते हैं उसने बार बार वहाँ जिक्र किया बाणदेव आदि महापुरुषों ने जो जो शब्द यूज किए और मुझे तुरंत फिर राजस्थानी मीरा के ऊपर बोलने का ठाकुर जी ने मौका दिया अभी अभी मैं मीरा को वहाँ याद करके आ रहा हूँ और याद करने में कई मुद्दतें थोड़ी लगती है साहब 11-12 दिन काफी है साहब कभी मुस्कुराने में मुद्दतें लगती हैं ऐसे एक फिल्म के गीत में लिखा है मुद्दतें हो गई मुस्कुराए आज सोचा तो आंसू भर आए तो बड़ा योग है अभी पानबाई अभी मीराबाई क्या जोड़ करता है ठाकुर जी और मीरा केवल राजस्थान तो गौरव ले सकते हम गौरव ले सकते फूले नहीं समाते लेकिन मीरा तो एक पृथ्वी की नहीं खबर नहीं जहां जहां जीव जगत होगा वहां सबकी मीरा है तो राम ही सुमिरी राम को स्मरो गाई राम ये महिला संत ने राम को गाया कृष्ण को गाया
भरपूर गाया, भरपूर सुमिरन किया। ओ संतत सुनिए राम गुण सुना भी बहुत होगा क्योंकि साधु संग तो उनका स्वभाव था, जगत गाता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, उसके भी तीन तीन पाठांतर हैं। मूल बोली में आप लोग बोलो, उसकी उसकी बोली में बिलग है, फिर बीच वाली बोली में, फिर हमें जो आदत हो गई उसी बोली में। मेरे तो गिरिधर गोपाल, तुम्हारो तो गिरिधर गोपाल, जो 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 आएगा ठीक है। दूसरों कोई दूसरा न कोई, जो पाठ कहीं ये पंक्ति है कहीं नहीं है। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, तो साधुओं के संग में बैठना। तो संतत सुनिए राम गुण, वहां तो राम गुण ग्राम ही होगा, संत के पास बैठने में क्या और होगा। कृष्ण कथा होगी, राम कथा होगी, शिव कथा होगी, भगवत चर्चा होगी, प्रभु का संवाद होगा, इससे अतिरिक्त क्या होगा। तो राम ही सुमिरिय गाइए राम संतत सुनिए राम गुण गान। तो इस पंक्ति को मीरा को बिठाने के लिए सिंहासन बनाकर मैं नौ दिन हम सब मिलकर उसकी पूजा करेंगे, उसकी आरती करेंगे। तो इस कथा का विषय है मानस मीरा भाग एक, भाग दो मीरता। सोचा था भाग वहां पहला हो, लेकिन वहां तो मीरा ने अमृत पिया था, यहां विष पिया है, वहां तो अमृत पिया था मीरता, यहां विष पिया है। और जहां विष हो वहां जल्दी जाना चाहिए। कोका कोला में तो सब जाए, लेकिन जहां विष है तो बाप फिर मेरा पर तो कितना ही बोल सकते। फिर वहाँ भी यही विषय लेकर, यही पंक्तियाँ लेकर हम मेरा का दर्शन और करेंगे, लेकिन यहाँ नौ दिन। और मुझे ये कहना है, मेरी समझ में जितना है, कि मेरा के जीवन में भी जिसे तुलसी के रामचरितमानस के साथ सोपान है, वैसे मीरा की जीवनी को गुरु कृपा से देखने से पता लगता है कि उसके जीवन के भी सात अध्याय हैं। इस महिला क्रमशः कितने अध्याय का पड़ाव पास कर रही है। तो इन सभी संदर्भों को देख करके मानस मीरा इस कथा का नाम रहेगा, पंक्तियां भूमिका के रूप में यही रहेगी। फिर एक बार मैं आपके सामने गा लूं और आप सब भी उसको याद करें। एही कली काल तप व्रत
इन दो पंक्तियों के आधार पर हम 9 दिन तक रामचरितमानस की जन्म जयंती तरफ हम जा रहे हैं और ये पावन नवरात्र के भक्ति और शक्ति के अनुष्ठान के दिनों में चित्तौड़गढ़ के इस परिसर में चित्रकूट धाम कथा का स्थान का नामाभिधान किया गया। यहाँ केवल राम कथा के लिए 9 दिन इकट्ठे हैं। किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं बिल्कुल कह दूं, कोई ज़रा चिंता न रखे मन में कि इस माहौल में सब इकट्ठे होंगे। मेरी व्यासपीठ केवल व्यासपीठ से, अध्यात्म से, सत्य प्रेम करुणा से जुड़ी हुई है। मेरा यही क्षेत्र है और कोई क्षेत्र मेरा है ही नहीं। और जिसने इस कथा में निमित हुए हैं वो संत कृपा सनातन संस्थान भी केवल सत्य प्रेम और करुणा और केवल आध्यात्मिक प्रेम यज्ञ के लिए इसमें है। इसलिए कोई चिंता न करें, बदा शांति थी सूझो, सब जिम्मेवार। किसी को चिंता न रहे कि भाई लोग इकट्ठे होंगे, ये है, कोई चिंता, ये केवल कथा ही चलती ही रहती है। मैं फिर एक बार कहूँ, कथा रुकती नहीं, ये सब वस्तु तो आती जाती रहती है। इमरजेंसी में सब हमारे बाबू भाई जसपाल पटेल जेल में थे उस समय, फिर कहीं थोड़ा पैरोल पर छूटे होंगे तो आए कथा में। मैं कोयम्बतूर में बोल रहा था, आए कि बापू आपकी कथा कोई बंद नहीं करवा रहे, यहाँ तो 2 आदमी को इकट्ठे होकर बोलने पर प्रतिबंध है पूरे देश में। आप, मैंने कहा कथा को कौन बंद करे, कथा क्यों बंद की जाए। हमारा क्षेत्र केवल अध्यात्म है, सत्य प्रेम और करुणा। हम सबसे प्रमाणिक डिस्टेंस किए हुए हैं, क्या ले, और सब कोई आ सकता है, यहाँ कोई भी आए सबका आदर है, बाकी किसी से हमें क्या लेना था। तो बाप सादर आमंत्रित हैं आप 9 दिन राम कथा के संवाद के लिए, सत्य प्रेम करुणा के लिए। तो मानस मीरा 9 दिवसीय इस राम कथा में, पहला दिन सदैव सदग्रंथ का परिचय दिया जाता है। अब ये परिचय तो क्या देने की जरूरत, आज रामचरितमानस का परिचय क्या दे। मैंने अभी अभी गीता प्रेस से गोरखपुर से माहिती मांगी, हमारे एक स्नेही के द्वारा
कि भाई मुझे बताओ नहीं कि 5 दिन पहले गीता प्रेस गोरखपुर ने और प्रेस और संस्थाएं उसका मैं न जिक्र करूं, लेकिन गीता प्रेस ने आज तक तो मुझे जो हिसाब दिया गया उसमें कहा गया कि कब कोई स्वतंत्र सुंदरकांड स्वतंत्र रूप में किष्किंधा कांड विनय पत्रिका दोहावली कवितावाली विनय पत्रिका ये जो गीतावली आदि आदि तुलसी के जो 12 ग्रंथ माने जाते हैं इसको भी साथ में जोड़े तो 10 करोड़ प्रतियां छपी है रामचरितमानस 10 करोड़। तो इतना ये अद्भुत सदग्रंथ परम ग्रंथ है, उसको लिए हम आज चैत्र नवरात्र के पावन दिन में यहाँ मीरा की भूमि में हम हैं, मीरा की पावन स्थली में हम आए हैं। तब इसका परिचय देने की जरूरत नहीं कि रामचरितमानस क्या है। गांधी बापू कहते थे, विश्वबंदी गांधी बापू, कि जिसको महाभारत और रामायण का परिचय नहीं है उसको हिंदुस्तानी होने का अधिकार नहीं है। ऐसा गांधी बापू कहा करते थे कि जो महाभारत को न जानता हो, भले जितनी मात्रा में जानता हो, रामायण को न जानता हो, वो कोई हिंदुस्तानी थोड़ा हो सकता। जानते ही हम सब, फिर भी थोड़ा ग्रंथ परिचय पूर्वजों ने बुजुर्गों ने उस्तादों ने जो पहले बताए रखा है कि पहले दिन ग्रंथ परिचय देना कथा का, जिसे 7 दिन की भागवत कथा हो तो महिमा गाते हैं भागवतकार पहले दिन उसका महात्म्य कहते हैं, वैसे 9 दिन की राम कथा में भी ऐसा है। तो 7 सोपान में बटा हुआ ये परम प्रेम शास्त्र है। प्रथम सोपान बालकांड, दूसरा सोपान अयोध्या कांड, तीसरा सोपान अरण्य कांड, चौथा सोपान किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा, यद्यपि कांड शब्द वाल्मीकि का है, तुलसी तो सोपान ही कहते हैं, लंका कांड, और 7वां सोपान उत्तर कांड, ए उसके संयुक्त जुड़े हुए बिलग बिलग विभाग है, आप सब जानते हैं। 7 कांड की अपनी अपनी विशेषता है। अब पूरा रामचरितमानस तो परम विशेष है, इसमें तो कोई, लेकिन एक एक कांड भी अपनी अपनी जगह परम विशेष है, और एक एक पंक्ति परम विशेष है, और हम कई समय से तो कोई ना कोई एक विचार लेकर कथा गायन करता हूँ मेरी व्यासपीठ की, एक सब्जेक्ट ले लिया, एक पंक्ति ली और उस पर हम गाते रहते हैं, एक एक शब्द रामचरितमानस का परम विशेषता रखे हुए हैं। तो ऐसा एक बहुत आज के देशकाल के लिए भी इतना ही प्रासंगिक और आगे भी प्रासंगिक रहेगा ऐसा एक शास्त्र हमारे पास है। बालकांड में गोस्वामी जी ने जब मंगलाचरण किया तो 7 मंत्रों में मंगलाचरण किया है, थोड़ा ये पावन प्रवाही परंपरा का निर्वहन कर लो। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना नपश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थ ईश्वरं नानापुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मतिमंजुल मात जो सुमिरत सिधि हो गणनायक करिबर बदन क
करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक हो बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु द्रवं सकल कलिमल नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करगु सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जागी दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। सात मंत्रों में मंगलाचरण, उसके बाद पांच सौरठे में लोक बोली में श्लोक को प्रणाम करके भारतीय पावन प्रवाही परंपरा को बिल्कुल सम्मान देते हुए कलिपावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी लोक तक उसको पहुंचना है, आखिरी आदमी तक पहुंचना है, इसलिए लोक बोली में राम कथा को उतार रहे हैं। पांच सौरठे में फिर मंगलाचरण किया है गणेश सूर्य विष्णु दुर्गा और शंकर भगवान की वंदना की, पंच देवों को याद किया और उसके बाद रामचरितमानस का बिल्कुल पहला प्रकरण गुरु वंदना गुरु महिमा जिसको मेरी व्यासपीठ मानस गुरु गीता मानती है, इस गुरु वंदना को हम पहले दिन कर ले। बंदौ पद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस्य कृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन दलन रो मोहतम सोस प्रकाश बड़े भाग आवही जासु रही मिलो जन मिट गई दोष
दुख भव रजनी के सूजई राम चरणनी मान के गुप्त प्रकट जन जोजे जथा सुभंजन साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल बन भूतल गुरु पद मृदु मंजुल नयन अमय मृग तेई कर बीमार विवेक विलोचन बरनम राम चरित भव मोचन बंधु पद बंद गुरु पर तो आप सब भलीभांति परिचित हैं कि पहला प्रकरण गुरु वंदना का है मानस में और गुरु सदैव प्रथम है। जो लोग गुरु की इस पावनी प्रवाही परंपरा में आस्था न रखते हैं वो अपने आप स्वतंत्र है, लेकिन हम जैसों को कोई गुरु चाहिए और गुरु तुलसी तो दोनों बात लिखते हैं, नर रूप हरि होता है, नर के रूप में साक्षात नारायण होता है। जरूर मुझे याद है कि ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज जिन्होंने बहुत उपकार किया साधक जगत पर, वो ऐसा कहते हैं कहते रहे कि गुरु को व्यक्ति मानना वो भी अपराध है और किसी व्यक्ति को गुरु मान लेना कि ये व्यक्ति ही है ऐसा मान लेना भी, क्योंकि गुरु तो समष्टि है, ये कोई व्यक्ति, ये तो गुरु निष्ठ लोग ही समझ सकते हैं। गुजराती में कहवाई से खाखरानी खिसकोली ने शू खबर पड़े कि आमा का आम के फल का रस क्या होता, जिन्होंने गुरुपद सेवन किया है उसको ही पता लगता है। तो बात गुरु वंदना अनिवार्य है, गुरु वंदना की है, कई बार इस पर हम बातें करते रहे। ये पूरी गुरु वंदना में विशिष्ट विशिष्ट रूप से गुरुओं की एक व्याख्या भी हम अपने अपने अनुकूल निकाल सकते हैं अपने जीवन के विश्राम के लिए, ऐसी गुरु वंदना गोस्वामी जी ने की है। गुरु आप ऐसा कभी समझते हो कि गुरु के बारे में कुछ कहकर आगे बढ़ जाओ? भगवान बुद्ध के पास उसका एक बहुत बड़ा प्यारा शिष्य एक साल पहले ही संघ में दाखिल हुआ था, नाम था मालुक्य पुत्र। उस संघ में एक साल पहले दाखिल, बड़ा धनी का बेटा रहा था, तो भिक्खु बन जाता है। एक साल के बाद वो बुद्ध भगवान के पास जाकर एक जिज्ञासा करते हैं कि बनते मुझे एक बात पूछनी है, पूछो। और मैं आपसे पहले निवेदन कर दूं भगवान तथागत कि इस सवाल का जवाब
यदि आप नहीं देंगे तो मैं संघ छोड़ दूंगा, मानो धमकी दे रहा, मानो बुद्ध को कोई संघ की जरूरत रही हो कि बिना संघ बुद्ध न चल सकते हो, ऐसी देंगे कर सकते हैं थोड़े काचे हो तो, कई लोग नहीं छोड़ देते हैं अपनी अपनी इच्छानुकाल कुछ घटना न घटे तो वो धर्म तक छोड़ देते, इंसानियत तक छोड़ देते, मानवता तक छोड़ देते, क्या नहीं छोड़ते। तो मालुक के पुत्र ने कहा कि मैं संघ छोड़ दूंगा मुझे, तो बुद्ध ने कहा क्या बात है, तो कहा आप मुझे जल्दी बताओ संसार नित्य है कि अनित्य है, बस इतना बता दो, ये जगत कायमी है कि नाशवंत है, ये सत्य है कि मिथ्या है, अब बताओ। बुद्ध चुप रहे, बार बार पूछ रहा, बनते में निकल जाऊंगा, मैं संग छोड़ दूंगा। बुद्ध ने कहा मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तुझे एक बात पूछना चाहता हूं मैं प्रति प्रश्न के रूप में, क्या एक आदमी को तीर कोई मार दे, एक तीर मार दे कहीं दूर से और आदमी घायल हो जाए और मैं वहीं से गुजरता हूं और मैं वहां देखूं, और उसी समय कोई वैद्य की व्यवस्था की जाए कि भाई इसको तीर लगा है और वैद्य उसका इलाज करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो, उसी समय जिसको तीर लगा है वो ये पूछे कि इलाज करने से पहले ये बताओ कि तीर इस दिशा से ही क्यों आया है, दूसरी दिशा से क्यों नहीं आया, ये तो खुला मैदान था, कहीं से भी लगा सकता था। वो दूसरा प्रश्न जख्मी आदमी पूछ रहा, तीर मुझे ही क्यों मारा गया, यहां तो कई लोग घूम रहे थे। तीसरा प्रश्न पूछता है इस तीर इतनी दूरी से ही क्यों मारा गया, और करीब आकर या और दूरी से क्यों न मारा गया। चौथा प्रश्न पूछता है ये तीर इस दोपहरी में क्यों मारा गया, सुबह क्यों नहीं मारा, शाम को क्यों नहीं मारा। आप कहते हैं कि तीर की नोक पर उसकी भलके पर विष लगाया, विषीला तीर था, तो आप मुझे पहले ये बताओ, मुझे भी जलन हो रही है, जरूर विषिला विषाक्त तीर था, तो आप बताओ एक किस प्रकार का ये विष था, विष की कई जाति है जहर की, किस प्रकार का विष था, इतने प्रश्न पूछे। मालुक के पुत्र ऐसे में वैद्य उसके प्रश्नों का जवाब देता कि इलाज करता, बोले बनते इलाज करना चाहिए, ये प्रश्न का जवाब देने की जरूरत, बोले बस मैं तुम्हारे इलाज के लिए हूं, तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए नहीं थे। तू कहे जगत नित्य है कि अनित्य है कि, ये पूछ विद्वानों को, पंडितों को पूछ, जिसको देर से वहां जाना है, जिसको जल्दी है, जिसको जल्दी हरी भजना है, जिसको इसी जन्म में उसको पा लेना है, वो ऐसे प्रश्नों में नहीं उलझता, वो इलाज करवा लेता। और बुद्ध का ये वचन मुझे प्यारा लगता है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए नहीं आया, करवा सको तो इलाज करवा लो। तो बात गुरु क्या है, क्या हमको, हाँ हमको अनुष्ठान भी दे सकता है कि करो, ऐसा लगे तो न भी दे और बिल्कुल हल्का फुल्का रखेंगे हमको। निजामुद्दीन औलिया को अमीर खुसरो ने एक बार पूछा कि बाबा जमजम के पानी का महत्व क्या है, जैसे काबा मदीना मक्का मदीना जो जाते हैं वहाँ जमजम के पानी की महिमा है, जिसे हम गंगा जल को जमुना जल को तो वो बहुत पावन जल मानते हैं, जमजम आप जानते हैं। तो एक बार बैठे थे दोनों गुरु शिष्य और अमीर ने पूछा कि
जमजम का पानी तो वहाँ है, जब हज पढ़ने जाए तब मिलता है। तो हमारे लिए तब उसने कहा कि, तो उसने नहीं कहा कि तू हज पढ़ने जा वहाँ नमाज अदा कर, बंदगी कर, ये करे तो अच्छी बात है, पूजा कर, पाठ कर, ये नहीं कहा। उसने कहा अकारण खुदा की याद में, परम की याद में, या तो किसी भी कारण तेरी आँख में कोने जल से भर जाए तो समझना जमजम का जल आ गया तेरी आँख में, इससे वजू कर। और ये कोई बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं ला देंगे गुरु तुम पर, ये सीधा एक उपाय दिखा देंगे कि ये कर। और ये क्या सही नहीं है, हरि को याद करते, या तो किसी कारण विशुद्ध दिल से जब किसी का स्मरण होते ही आंख के कोने भीग जाए तो हो गई पूजा, हो गया पाठ। साधना को जीवन से बिलग न बनाया जाए प्लीज, जीवन ही साधना है। नित जुग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। सतयुग के इतने साल हुए, शास्त्रों में जो गिनती आती इतने लाख वर्ष सतयुग के फिरते था, तो हम तो कभी सतयुग देख ही नहीं पाएंगे ना, कब सतयुग देखे, कलयुग के इतने कब खत्म हो। मेरे गोस्वामी जी बड़े प्रैक्टिकल व्यवस्था देते कि तेरे जीवन में राम की प्रेरणा से रोज चार युग आता है, मौज कर ले प्यारे। इस सतयुग की प्रतीक्षा क्यों करता है, वो तो काल गणना है, ये तो अभी यहां हो सकता है। गुरु वो है, वो तत्क्षण इलाज करेगा। इसलिए गोस्वामी जी इस गुरु वंदना में औषधि का संकेत करते समम सकल बवरुज परिवार, समन सकल बवरुज परिवार। गुरु अनंत है, उसका आर पार मुश्किल है। तो ऐसे परम गुरुओं की वंदना गोस्वामी जी ने की, गुरु की चरण रस से अपनी नेत्र को पवित्र करके राम कथा का आरंभ करते हैं। और गुरु कृपा से इस गुरु कृपा का अंजन पाया पा करके पूरा विश्व राममय दिखने लगा तुलसीदास जी को। और गोस्वामी जी सबकी वंदना करते करते कहते थे, श्री राम माय सब सर्वं खलविदं ब्रह्म, पूरा संसार श्री राम मय जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु कृपा का अंजन पा लिया, जगत निंदनीय नहीं लगा, वंदनीय लगा। सबका प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज दशरथ जी की वंदना करते हैं, जनक जी की, इन परिवारों की, भाइयों की वंदना करते करते, महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जस आप। श्री हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने की। कोई गुरु मिल जाए तो बहुत भगवत कृपा समझना, लेकिन न मिले तो फिर हनुमान जी को गुरु मान लेना, अनुकूल पड़े था। मैं कोई हनुमान जी का प्रचार करने नहीं, और उसने मुझे कहा नहीं कि मेरी सिफारिश करना, लेकिन मैं मेरा अनुभव कहना चाहता हूँ कि आप हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। जय जय जय
हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? मुझे तो मुझे मैं जो सत्य करुणा प्रेम की करुणा में कई अंगलों से उसकी व्याख्या जो मेरे अनुभव में आती है कहता रहता हूँ। ये जो हनुमान जी का स्वरूप विराजमान है, पांचे पवन तनय है ये, इसकी कृपा। तो मैं तीन को देखूं तो मेरा सत्य प्रेम करुणा वाला ये आध्यात्मिक त्रिकोण पूरा हो जाता है। हनुमान, तुलसी और दादा, त्रिभुवन दास दादा। हनुमान मेरा सत्य है, तुलसी मेरा प्रेम है, त्रिभुवन दादा मेरी करुणा है। गुरु करुणा मूर्ति है, हनुमान तुलसी प्रेम मूर्ति, उसने प्रेम शास्त्र दिया हमको, ये प्रेम है और हनुमान परम सत्य का नाम है। तो ये आध्यात्मिक त्रिकोण जिसको मैं कहता हूं सत्य प्रेम करुणा, ये परम गुरु है। यदि कोई किसी में श्रद्धा न हो, किसी में आस्था न बैठे तो ये बिल्कुल अच्छा, कभी दक्षिणा नहीं मांगेगा, कभी आपको दबाव नहीं डालेगा, कभी डांटेगा नहीं, बस तुम्हारा रक्षा करेगा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। तो मंगल सकल अमंगल मूल निकंद, सकल अमंगल मूल निकंद। विनय पत्रिका का प्यारा पद आप जानते हैं, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बंदव लखन बैदे, ये तुलसी और संत परंपरा में भी साधु साई में भी होता है। कभी कभी परिचय साधु लेते हैं कि मेरे गुरु है, मेरे दादा गुरु है, ऐसा कहते हैं दादा गुरु। तो कोई गुरु हो तो भी आ दादा गुरु से मानो आप छो एनो गुरु से ऐसा। तो श्री हनुमान जी की वंदना अत्यंतिक अथवा तो नितांत आवश्यक है। भाई बहन कोई भी कर सकते, हनुमान सबका है, सबका प्राण हनुमान है। तुलसी जी ने हनुमान जी की वंदना की विनय के पद से भी, और यहाँ प्रणव पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घन जासु हृदय बस हिरा। और हनुमान जी का आश्रय बहुत जरूरी है, यदि हम हमारे अनुभव में आए तो ऐसा गुरु कौन। लेकिन हनुमान जी भी हमसे अपेक्षा तो थोड़ी करते हैं। विनोद में हमारे साहित्य जन कहते रहते हैं ना कि एक आदमी प्रति शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाता है और तेल चढ़ाता है, नारियल फोड़ता है, फूल बूल लगाता है, सिंदूर चढ़ाता है और कहता है कि 10 लाख की लॉटरी लगा दो, न लगाई तो मैं संघ छोड़ दूंगा। मालूम की 10 लाख की लॉटरी लगा दो। दूसरे फिर शनिवार को कहा, तेरे घर कहाँ कमी है, 10 लाख की लॉटरी लगा।
चार पांच शनिवार को यही मांगता रहा और हनुमान जी को खबर नहीं क्या हुआ, तो मूर्ति से हनुमान जी ने दायां हाथ बाहर निकाला और जोर से एक थप्पड़ मारी उस आदमी को कि मूर्ख, पांच हनुमान शनिवार से मेरे पीछे पड़ा है, 10 लाख की लॉटरी लगा, लेकिन पहले टिकट तो खरीद, इतना तो तू कर, सब कुछ मुझे छोड़ रहा है, मैं जाऊं टिकट खरीदने, कम से कम इतना तो पुरुषार्थ कर, बाकी का मैं सब कर दूंगा। हनुमान कहते हैं तू थोड़ा तो चल, बाकी मैं पवन पुत्र हूँ, दौड़कर तेरे पास आ जाऊंगा। प्रणव पवन कुमार खल बन पाब तू ज्ञान घन जासु हृदय आदर बसहि राम सरचार अतुलित बलधाम ऐम शैलाभ देहम धनुज बन तिशान ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुणनिधानं वानराणाम देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं। हनुमंत वंदना मानस में आई, फिर और सखाओं की वंदना, फिर सीताराम जी की वंदना की गई और उसके बाद राम नाम महाराज की वंदना। ये मानस का छोटा सा क्रम आपके सामने मैंने रखा। तो हनुमंत वंदना करते हुए आज के पहले दिन की कथा को मैं विराम देने की ओर जा रहा हूँ। तब मेरे भाई बहन एक दो मिनट के लिए भाव से हरे रामा रामा राम सीताराम गाइए। हरे रामा रामा राम सीताराम राम रामा हरे राम हरे रामा रामा राम सीताराम राम रामा हरे राम 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 सीता राम 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 हरि बोल हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीताराम हरि बोल हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम Rama, Rama, Rama.
हरे राम राम नौ दिवसीय राम कथा मानस मीरा उसके पहले दिन की कथा यहाँ विराम लेती हैं मेरे भाई बहन। कल से अब रोज कथा सुबह में होगी, रोज 9:30 बजे कथा शुरू होगी और 1:30 के आसपास कथा को रोज विराम दिया जाएगा। तो कल सुबह 9:30 बजे फिर यहाँ भगवत चर्चा होगी। भाव से बोलिए राम जन्म भगवान प्रिय हो बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर मृदु वचन भगे यही के अस्तुति सार अनुतात जिन कारण आए सो सबर करत एक परम पावन कब सब गयो मोर संतना अब श्री राम कथा पावन सदा सुनत को सागर पात सुनाओ मोरी बार बार गिरा विनीता सर वयुता सुमन परम सहला अनुराग भवानी राम कुल नारद कर्मो पारा कई रावण प्रभु अवतार
कथा पुराई तब चरित कहति मन बाल चरित कही विविध विधि परमा परमोक्षा श्रिया गवन कही सुनी श्री रघुवीर बौरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप वचन राज रस गंगा पूर्वा शंकर विरह विचारा जय श्री राम लक्ष्मण सिंगा किन गवन के वचन अनुरागा सो करि निवास नि सब मिलन बखाना दूत दिन बच भगवान सच गवन नगर कुमार का भर का गवन प्रेम भगवान करि क्रिया संग पूर्वासी भर कही दंडक मन पावन मयत्री गायी पंचवटी संवाद रावण प्रबोधे कुल गयना देव बहुरी पे हो आए तुम सब ज्ञान कुराई वैदेही की कुशल सुनाए सेन समेत तारक वीरा उतरे जाय बार निजीरा मिला मिली संदेह विदयाई सागर निजर कथा सेत बान कप सेन जिमी उतरे सागर पार गयु वसी की वीर भरा देव दिपाले मार इस धरके सलरा रघुपति रावण 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 राम अभिषेक कथा समस्त सुंदर जो राम कथा खगना काव्य सुंडी जी महाराज प्रिय हो ललित आरती श्री रामत ब्रह्मा आरती श्री रामायण
ग्रंथन को रस मुनि जन सम्मति सब आरती श्री राम जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास गरुड़ के आरती श्री राम कलिमल हरणी विषय रसी तात मात सब विधि आरती श्री राम जन की ललित ललित आरती गढ़ने मुकारो तो कांगराय देश गढ़ने मुकारो तो कांगराय देश पण गढ़ मुकारो सुने मीरा जान से हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से हे अकबंध तारा भीड़ा दरवाजाना आठे अकबंध तारा भीड़ा दरवाजाना फूल जैम फूल से Yes.
कारो मलीर एक ओड शे हवे तारो मेवाड मीरा छोड़ शे हवे तारो मेवाड मीरा छोड़ शे વર્ષે રે લે પાદરે થી રસ્તાઓ પાછા વર્ષે